एक लड़का जो शिकायत करता है, आपने सुना उसे, और साथ साथ दौड़ती हुई एक लड़की आई। उसने कहा अपनी माता जी से, कहा मम्मी अरे ऐसन बराती ना देखियो अभी तक, ऐसन बराती ना देखियो अभी तक, जिया होए धका धक जिया होए धका धक, ऐसे बराती ना देखियो अभी तक, जिया होए धका धक जिया होए धका धक। एक पैर के हुके कहू ना, केहू के एक पैर के हुके कहू ना, अरे केहू बिना पैरे के, हाँ केहू बिना पैर के चले फटाफट, जिया होए धका धक जिया होए धका धक। कहा इतने नहीं देखा, और क्या देखा है? उसने कहा कि केहू के एक आंख केहू के कहू ना, केहू के एक आंख केहू के कहू ना, केहू के एक आंख केहू के कहू ना, अरे केहू कानी अखिया से मारे टका टक अमा, कहा केहू कानी अखिया से मारे टका टक जिया होए धका धक जिया होए धका धक, केहू कानी अखिया से मारे टका टक जिया होए धका धक जिया होए धका धक। कितने अजीब से बराती गए थे, कहा केहू के एक दांत केहू के कहू ना, केहू के एक दांत केहू के एक दांत केहू के कहू ना, अरे केहू बिना जिभिया के, कहा केहू बिना जिभिया के खाए जटा सच, केहू बिना जिभिया के खाए तटा तट जिया होए धका धक जिया होए धका धक। केहू बिना जिभिया के खाए, वीरभूम के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, केहू के अरे केहू बिना जिभिया के खाए तटा तट जिया होए धका धक जिया होए धका धक। केहू के एक हाथ केहू के कहू ना, केहू के एक हाथ केहू के कहू ना, आए के उलूले हथवा से गिने पटापट जिया होए धका धक जिया होए धका धक। हाँ ऐसन बराती ना देखियो अभी तक जिया होए धका धक जिया होए धका धक। सारे बच्चे सब शिकायत करते हैं, लेकिन द्वारे के चार के लिए दूल्हा पहुंचा है, मैना रानी चली दामाद की परिछन करने के लिए, और वहां जब आई तो देखती क्या है, आ
आई मैना परछन करने आई मैना परछन करने जब सांप जीभ लपकाइस है आई मैना परछन करने जब सांप जीभ लपकाइस है ना उनके गोड़े मां बीछी एक तुरंत बीछी उतरी अब बीछी उतर करके अपना काम करना शुरू कर देती है ना उनके गोड़े मां बीछी एक अपन डंक छुआइस है और जैसे नाउन के पैर में बीछी ने मारा वैसे नाउन चिल्लाई बड़े जोर से अपने पति के पास पहुंचती हैं कहा सुनो महाराज कि रोए बतावे नाउन नाउन रोए बतावे सुन ला मोरे सजनवा कहा क्या सुने तो नाउन रोए बतावे सुन ला मोरे सजनवा अकेलिया तोहरी माटी मां मिली नाउन रुए बतावे नाउन रुए बतावे सुन लिया मोरे सजनवा अकेलिया तोहरी माटी मां मिली लेके टीका गया चढ़ाने तब जान ना पाया लेके टीका गया चढ़ावे तब जान ना पाया सुंदर बिटिया के खातिर सुंदर बिटिया के खातिर पागल दुल्हा लाया रानी रोवत बाटी देखा खोल कहा देख लो अरे रानी रोवत बाटी देखा खोल नयनवा अकेलिया तोहरी माटी मां मिली अपने नाव को फटकार रही नाउन और शंकर जी के बराती जो गए हैं बड़ी मस्ती में वो द्वार के चार में नाचते हैं और गाते क्या हैं कि सांची कहो शिव के आवन से तोहरे सांची कहो शिव के आवन से तोहरे नगरी मा आई बहार भैया नगरी मा आई बहार तोहरे नगरी में आई बहार भैया और नगरी में बहार जिसके आई वो बच्चे कहते क्या है कहा बहुत अच्छे बराती और बड़ा अच्छा दूल्हा है बोले जैसन है दूल्हा है वैसन बराती अरे जैसन ही दूल्हा है वैसन बराती देखा है हम पहली बार भैया हो भैया देखा है हम पहली बार भैया गीत गा रहे हैं नारियां कोठे पर चढ़ी हैं और देखे कोठे पर अगर चढ़ी हैं वहां से दूल्हा देख देख करके मारे खुशी में कहती क्या है अरे करई का बारात आई
अटरिया से गोली मारे, अरे अटरिया से गोली मारे, घरवा की नारी हो अटरिया से गोली मारे। होंगे कि महाराज हिमांचल कहा गोली चली कट्टा चला, बोले कैसी गोली, तो कहा सुनो कि अटवा के गोलिया, अटवा के छोटी छोटी गोलिया सवार है, अटवा के छोटी छोटी गोलिया सवार है, बरतिहन का भरत मारे, खैची बरतिहन का अरे देकर एक आंख रही, देके एक आंख रही, बहु भय बेकार हो अटरिया से गोली मारे, अटरिया से गोली मारे, घरवा की नारी हो अटरिया से गोली मारे। ठीक है भैया, ये जो आटे वाली गोली चल रही थी वो गोली, और जो अक्षत मारती है चावल वो कहीं जा करके लग गया नंदेश्वर की आंख में, और जब नंदेश्वर की आंख में वो चावल भरोसे पड़ा, नंदेश्वर द्वार की चार में बिगड़े बड़े जोर से, और जब नंदेश्वर नाराज होते हैं तो देखें हुआ क्या, कि नंदीश्वर जी जब बिगड़ गए, नंदीश्वर जी जब बिगड़ गए, तब एक चतुर नारी आई, नंदेश्वर जी जब बिगड़ गए, तब एक चतुर नारी आई, सोचा माजरा अजीब सा है, सोचा माजरा अजीब सा है, वो एक सखी से बतलाई, जा करके एक बछिया लाओ, कहा जाओ बहुत जल्दी एक सुंदर बछिया ढूंढ करके जल्दी लाओ, जा करके एक बछिया लाओ, नंदेश्वर को अर्पण कर दो, नंदेश्वर देख प्रसन्न रहे, नंदेश्वर देखे प्रसन्न रहे, ऐसा ला कर दर्पण धर दो, पंडित और नाऊ द्वार पूजा करवा रहे हैं, लेकिन शायद नाऊ ठाकुर का आधा स्क्रू लूज था, यानी नेग मांगने में सबसे एडवांस उनकी नाऊ रही, और जैसे पहुंची कहा महाराज हमारे द्वार पूजा वाला नेग तो कम से कम दे दो, शंकर भगवान ने एक अपने ऊपर से एक सांप निकाला काला काला, और जल्दी में सोच ना पाई उनके आंचल में धर दिया, और जैसे आंचल में सांप पड़ा
लेकर के चली तो और कुछ दूर चलती हैं, जब अंदर अंदर उस आंचल में सांप खड़ा होता है तो नाउन कहने लगी, कहा इनाम दिया जाता या फनहार दिया जाता, इनाम दिया जाता या फनहार दिया जाता, क्या नाउन के संग में यही व्यवहार दिया जाता। पाए ई हुए ना पाए, अरे हुए ना पाए शिव जी के सगाई, हुए ना पाए माध्यम सुन रहे हैं। कर रही हैं, भगवान भोले शंकर द्वार पूजा तो करवाए और द्वार पूजा के बाद जब विवाह का नंबर आता है तो गए उस मंडप में और मंडप में पहुंचते ही कि द्वारे के चार भा द्वारे के चार हुआ, मड़े में गए शंकरी गौरा के साथ में, गौरा के साथ फेरे घूम रहे प्रलयंकर, और हुआ क्या भावरे तो पड़ी और भावरों पड़ने के बाद में हुआ बुलावा चले सब जन जेवनारे का, शनिचर चले हैं निपत के द्वारे का, और जब भोजन करने बैठे कि पतरी वाले पतरी परसे दिनों भाई औंघाई रहे, पतरी परसों दोनों भाइयों भाई रहे, बगल वाले इनका मुंह धोते हैं, कहा भैया भोजन करो, भैया भोजन करो, वो है कौन वही दोनों भाई सुख और शनिचर, और जब जगाने से नहीं जागे उनकी बगल जो बैठे रहे वो करते क्या हैं। पतरी वाले पतरी परसे अरे दोनों भाई उंघाई रहे, और कंजहवा मारिस एक झापड़, कंजहवा मारिस जो एक झापड़ तो फुसुर फुसुर बतलाई रहे, सोना
सब्जी जब आगे पाइन है, अरे पूरी का है ध्यान नहीं वे फौरन भोग लगाइन है। अपने हाथे का चाट रहे करिया करिया सुई थी चूटा, करिया करिया अरे दुई थी चूटा उनकी जिभिया माँ काट रहे। करिया दुईठी चूटा उनकी जिभिया में काट रहे हैं। भोले शंकर कुछ नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि शायद आजकल की तरह से विवाह अपना दहेज के ऊपर नहीं किए थे। अगर दहेज के ऊपर किए होते तो शायद उनको अनेकों जगह बोलने का मौका बढ़ता। आप कहें कैसे अनेक जगह होती हैं, देखें लड़की वाले शादी करने जाते हैं तो लड़के वालों की हालत कितनी गिरी ही क्यों ना हो, लेकिन मांगने में कसर नहीं रखते और कहते क्या है, घरा कई तो मेन टेन, अरे घरा कई तो मेन टेन रहिले बेकार हो, लेकिन खिचड़ी पे दुल्हा मांगे। कहा घर की हालत नहीं देखते, घर के तो मेन टेन रहिले बेकार। अपने घर में बताते हैं कि घर कई तो मेन टेन रहिले बेकार, लेकिन खिचड़ी पे दुल्हा मांगे। और मांगता क्या है, बोले एक से लोकार लेकिन खिचड़ी पे दूल्हा मांगे। और भगवान शंकर तो बूढ़े बैल पर सवार होके गए थे, वो न कार मांगे थे न बीसीआर मांगे थे। भोजन करने वाले भोजन कर रहे, परसने वाले परस रहे, सूख सनीचर ने अपनी मां दिखाना शुरू कर दिया। सब एक बार बटोर बटोर करके पतरी दोना साफ करना शुरू करते हैं। और लिखा गया उस समय कहा कि परिसय वाले परिसय वाले निका देरी हुई तो पतरी दोना सब खाई गए, और दूसरी पतरी जब ले आए तो दोनों भाई रिश्ते आई गए। दोनों भाई नाराज होते, बोले भैया क्यों नहीं खा रहे हो। कहा ये बार बार तुम लाते हो, बार बार सामान खत्म होता है, हमने तुमसे न कोई नेक मांगा न कोई चार मांगा, दान दहेज कुछ नहीं मांगा, और ये हमारे पेट की रोटी तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। नारियां अपनी धुन में मस्त हैं, जरा उनके विचार देखें। कहा निहुरे निहुरे परसे अरे राजा हिमांचल शोभा भरणी नहीं जाएगी, शोभा भरणी नहीं जाएगी।
पति ने सुख संपत्त को आदेश किया, कहा लाओ जल्दी ला करके इनको परसो वरना पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। जैसे सुख संपत्त ने परसना शुरू किया, वैसे दोनों भाई डकार के उठ गए। भोजन हुआ, गौरा जी की विदाई समय होती है, उस समय माता मैना जी कहने लगी कि बेटी घर साजन का, अरे बेटी घर साजन का, अब तुमको सजाना है। वीरभूम के माध्यम से प्रसंगावतरण